हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी से बचने के लिए हम लोग चाहते हैं अपने कमरे को ठंडा रखना, जिसके लिए हमें एसी और कूलर की ज़रूरत होती है। एंड ऑफ कोर्स, अगर हम पेरेंट्स हैं और हमारा बेबी या तो न्यू बॉर्न है या बहुत छोटा है, तो हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि उसको एक आरामदायक एक कमरे का जो टेम्परेचर है वो मिले, ताकि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान ना हो और उसको नींद अच्छी आए रात को भी और दिन में भी जब बच्चा नाप लेता है उस समय भी। लेकिन पेरेंट्स होने के नाते हम लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या एसी और कूलर बच्चे के लिए सेफ़ है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि क्या एसी और कूलर बच्चे के लिए सेफ़ है, एंड अगर सेफ़ है तो क्या बातें आप ध्यान में रखते हुए बच्चे को एक कम्फर्टेबल टेम्परेचर दे के आप बच्चे को एसी में रख सकते हो। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रह सकती है तो मे बी उनके क्वेश्चन का आंसर मेरी वीडियो के थ्रू मिल जाए। एक आरामदायक और कंफर्टेबल नींद बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बच्चे की दो ही बेसिक नीड होती है, एक होता है बच्चे की भूख और दूसरा होता है उसकी नींद। अगर इन दोनों चीज़ों में अगर बच्चे के लिए हम कटौती कर देंगे तो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो गाइज, ऑब्वियसली आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि डॉक्टर्स की गाइडलाइन के हिसाब से मैं आप लोगों से ये बता दूं कि बच्चे के लिए एसी और कूलर यूज़ करना बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप एसी में बच्चे को रखने से पहले इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान में रखें, ताकि बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान ना हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब कमरे को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हो तो बच्चे का हो सकता है तापमान कम हो जाए, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सही जानकारी होना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट है टेम्परेचर को चेक करें, क्योंकि एक जो आपका एसी का रूम का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है और आपका जो बाहर का तापमान है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ऐसा ना हो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्द या बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से बच्चे को दिक्कत हो सके। सो टेम्परेचर को एक ऐसे सेटिंग पर रखें अपने रूम के टेम्परेचर को जो कि बच्चे के लिए एक कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा चिल्ड ना करें। और जब बाहर से बच्चे को आप तुरंत अंदर लेके आ रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो आपके अंदर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो। गाइस, सेकंड चीज़ ये ध्यान में रखने वाली होती है कि बच्चे को एसी की डायरेक्ट हवा ना लगे। सपोज़ आपने जहाँ पर भी आपका एसी का जो डायरेक्ट हवा जहाँ पे भी आपके जा रही है, वहाँ पे कोशिश करें कि बच्चा जो है वो सामने ना लेटा हो, क्योंकि डायरेक्ट बच्चे के ऊपर जो अगर एसी की हवा लगेगी तो मे बी उसके ऊपर हेल्थ के ऊपर ख़राब असर हो सकता है। तो आप कोशिश करो कि एसी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर उसकी हवा जा रही है तो बेबी को आप साइड में या किसी अलग जगह पर आप बच्चे को लेटा के रखो, ताकि जो है डायरेक्ट हवा से आप बचा सको। थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी आप बच्चे को एसी वाले रूम में आप सुला रहे हो तो एक थिन ब्लैंकेट बच्चे के ऊपर आप शरीर पे डाल दो, या फिर आप बेडशीट का भी यूज़ कर सकते हो, ताकि बच्चे को एसी का जो भी आप जितने भी आपने सेटिंग पे आपने रूम के टेम्परेचर को रखा हुआ है वो डायरेक्ट बच्चे की स्किन के ऊपर ना उसका एक्सपोजर हो। ध्यान में आप रखिए कि जितनी आपको ठंड लगती है उसका सिर्फ एक लेयर ही बच्चे को ज़्यादा ठंड लगती है। तो अब एसी का रूम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उससे बचाने के लिए बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट ना डाल दें या मोटी चादर का यूज़ ना करें। उस कंडीशन में आप अपने एसी को ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, जब भी आप बच्चे को एसी वाले रूम में सुला रहे हो, वो ये है ड्राइनेस से बचना। ऑब्वियसली ये मेरे कंडीशन में मेरे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि गाइस एसी जब आप चलाते हो तो रूम में जितनी भी ह्यूमिडिटी होती है, जितना भी मॉइस्चर होता है, वो एसी जो है वो खींच लेता है, जिसकी वजह से मे बी बच्चे को ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका एक ही सॉल्यूशन है, बच्चे को एसी वाले रूम में सुलाने से पहले बच्चे की स्किन को अच्छी तरीके से आप मॉइस्चराइज्ड कर दो, और जब आप एसी ऑफ कर रहे हो मॉर्निंग में उस टाइम भी आप बच्चे की बॉडी को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर दो। बच्चे की जो नाक होती है वो अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को नाक में से खून आ सकता है। तो गाइज़, उसके लिए आप बच्चे के नाक के आसपास आप ऑयल लगा सकते हो। मुझे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था गाइज़, मैं नेसोक्लेयर बच्चे को लगाती हूँ, ये वाला नेसोक्लेयर मैं अपने बच्चे के दोनों नोज़ में मैं बच्चे के डाल देती हूँ, और उसको इस तरीके से कर दीजिएगा ताकि बच्चे को जो नोज़ में ड्राइनेस है उसकी इशू ना रहे। नेक्स्ट गाइज, अगर आप बच्चे को कूलर वाले रूम में सुला रहे हो तो ये ध्यान में रखिएगा कि उस रूम का एक विंडो आप ओपन कर दें, ताकि एक वेंटिलेशन होते रहे कमरे में और बाहर की जो ताज़ी हवा है वो रूम में सर्कुलेट होते रहे, ताकि आप बच्चे को ह्यूमिडिटी से बचा सकें।
नेक्स्ट चीज़ ये ध्यान में रखने वाली है बच्चे के लिए एक कंफर्टेबल क्लोथ्स। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि रात को जब हमें ठंड लगती है तो हम ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। अब आपने बच्चे को ब्लैंकेट ओढ़ा रखा है लेकिन बच्चे ने पैर मार के उसको हटा दिया है, तो क्योंकि बच्चे को अब ठंड लगेगी, बच्चे की हो सकता है नींद खुल जाए, क्योंकि रात का जो टेम्परेचर है वो दिन के टेम्परेचर से बहुत डिफरेंट होता है। तो रात को बच्चे को सुलाने से पहले जब आपने इस बच्चे की स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर दिया है तो बच्चे को फुल हैंड स्लीव एंड फुल लेग स्लीव पहना के तब इसी वाले रूम में सुलाएं। नेक्स्ट, टेम्परेचर के बदलाव का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा बहुत लंबे समय तक एक पर्टिकुलर ठंडे टेम्परेचर में है तो उसको एक अपोजिट टेम्परेचर में तुरंत से लेके ना जाएं, इससे बच्चे को सर्द गर्म लग सकती है। अगर आप बच्चे को एक रूम में आपने बच्चे को सुला रखा है और बच्चे को आपको अपोजिट टेम्परेचर में लेके जाना है तो कोशिश करें कि आप रूम का जो एसी है वो पहले ही ऑफ कर दें, देन जब रूम का जो टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाता है तब आप बच्चे को बाहर लेके जाएं। सेम ऐसा ही अगर बच्चा डायरेक्ट बाहर से आया है, गर्म से आया है, तो बच्चे को तुरंत से एसी में लेके ना आए, बच्चे को सर्द गर्म से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। सेम इसी कंडीशन में गाइज हमारे कार में होता है, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न आ गया है तो जब हम अपने कार में जाते हैं तो ऑलरेडी हमारी कार जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रही होती है। तो गाइज इस कार के कंडीशन में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और अपने कोशिश करिए कि कार की विंडो को पहले ओपन करके आप कार को नॉर्मल होने दें एंड एसी चला के पहले कार के टेम्परेचर को आप नॉर्मल रखें, देन बच्चे को जो नेक्स्ट गाइज बच्चे के टेम्परेचर को बिल्कुल चेक करते रहें। बच्चे के समय समय पर हाथ, चेस्ट, पेट के ऊपर आप टच करके देखते रहें कि बच्चे का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा गिर ना रहा हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो रही हो उसे, और आपको ये भी पता चल सके बच्चा एक आरामदायक स्थिति में। नेक्स्ट गाइज एसी और कूलर की सर्विसिंग आप चेक करते रहें, उसको समय समय पर कराते रहें ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। कूलर के कंडीशन में हमें कूलर को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, समय समय पर पानी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो गाइज कूलर के कंडीशन में हमें वाटर का ध्यान रखना है और एसी के कंडीशन में हमें सर्विसिंग का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है गाइस, क्या बच्चे को लंबे समय तक एसी में रखने से क्या बच्चे को नुकसान हो सकता है या बच्चे के शरीर के ऊपर कोई प्रभाव डालता है? तो गाइस इसका जवाब है कि डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि आप एसी में रख सकते हो, एसी में रहना कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक छोटे बच्चे को एक एसी की आदत डलवा देना या बहुत लंबे समय तक एक ठंडे तापमान पर रहने की वजह से क्या होता है, बच्चे का टेम्परेचर कम हो सकता है जिससे बच्चे की हेल्थ के ऊपर इशू हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब टेम्परेचर बहुत विपरीत जा रहा है या बच्चे को दिक्कत हो रही है तो एक रूम के टेम्परेचर को एक नॉर्मल मोड पे आप सेटिंग करके बच्चे को उस तापमान पे आप रख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ठंडा तापमान देके बच्चे को उसमें ना रखें। पेरेंट्स के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि बच्चे के लिए क्या सही है, एसी या कूलर? देखिए गाइस एसी और कूलर दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं, क्योंकि एसी में आप टेम्परेचर को बढ़ा और घटा सकते हो। अगर कमरा आपका बहुत ज़्यादा आपका ह्यूमिडिटी से भर गया है तो आप उस कंडीशन में आप एसी को चला सकते हो। रूम को आप जितना चाहे ठंडा कर सकते हो, रूम को अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो उसको आप कम भी कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप कूलर में देखें तो कूलर के अपने फ़ायदे हैं, कूलर एसी से सस्ता होता है और बिजली कम खाता है, एसी में बिजली आपकी ज़्यादा लगती है। तो अगर आप बजट की बात करो तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको एसी रखना है या कूलर रखना है, बट आपके पास एसी में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपको कूलर में नहीं मिलते। तो अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि आपने अपने बच्चे के लिए एसी लेना है या कूलर लेना है, तो आप अपने बजट को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कर सकती हैं, क्योंकि एसी अगर आप बच्चे के लिए प्रेफर करते हो तो आपको ये मेरे बताए हुए सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए बच्चे को आराम से आप एसी में सुला सकते हो। एंड अगर आप बच्चे को कूलर में सुला रहे हो तो उसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। लास्टली यही कहूँगी गाइस कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बजट अलाउ नहीं करता कि वो एसी या कूलर को परचेज़ कर सकें, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो पेरेंट्स हैं तो वो ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक कंफर्टेबल नींद ले सके, हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। अगर वो बच्चे को एसी नहीं दे पा रहे हैं, अगर सिर्फ कूलर दे पा रहे हैं तो वहाँ पे भी वो चाहेंगे, बट कुछ ऐसे भी हैं जो कूलर भी परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एटलीस्ट कमरे को आप ठंडा रख सकते हो। कोशिश करो गर्मियों के मौसम में बच्चे को बिल्कुल कॉटन के बिल्कुल पतले और हल्के कपड़े पहना के रखो। बच्चे को जहाँ से भी आपके रूम में धूप आ रही है वहाँ पे आप मोटे वाले पर्दे लगा के रखो ताकि बाहर की जो डायरेक्ट धूप है वो कमरे में ना आ सके, पंखा चला के रख सकें आप, इससे बच्चे को काफ़ी राहत मिलेगी। सो गाइज मेरे वीडियो को देख के आप बताइएगा कैसा लगा, कमेंट में मुझे प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है तो, ताकि मैं और मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।